हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल लाइफ कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी की रेसिपी, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और सभी की फेवरेट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है पानी, पानी में थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑयल और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे नमक। ऑयल इसलिए ऐड करते हैं ताकि आपस में स्टिक ना हो। तो इसके अंदर अब डालेंगे मैक्रोनी या पास्ता, डाल दीजिए इसके अंदर और इसे हम बॉईल करेंगे तब तक जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, पास्ता हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है और अब हम इसे छान लेंगे। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुका है, सॉफ्ट हो गया है, आप सभी देख सकते हैं। और इधर मैंने सारे वेजीज काट लिए हैं, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज। और मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और ऑयल में सबसे पहले ऐड करेंगे लहसुन। हरी मिर्च थोड़ा सा ऐड करेंगे, इसमें अदरक बारीक कटा हुआ। और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं प्याज बारीक कटा हुआ। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। लगभग आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर इसे फ्राई करेंगे। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो केचप, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और लास्ट में ऐड करेंगे इसमें पास्ता। पास्ता को ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, पास्ता हमारा बिल्कुल खाने के लिए तैयार है और ये बहुत ही यम्मी बना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।